हेलो गाइस, बहुत टाइम के बाद आज आप लोगों से मिल रहे हैं। कल मदर्स डे है, मम्मी की बहुत याद आती है रोज़ 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 हमें, उसी के लिए हमने कुछ अपनी फीलिंग्स आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। मम्मी आप क्यों चली गई, इतनी जल्दी चली गई, ना हम कुछ कह पाए ना आप कुछ कह पाई। मम्मी आप क्यों चली गई, पापा के जाने के बाद आपने ही हम तीनों बहनों को संभाला। आप क्यों चली गई, अम्मी आप क्यों चली गई, कहीं भी जाते थे जल्दी आना बेटा ये अब कोई नहीं कहता। कहीं भी जाते थे जल्दी आना बेटा ये अब कोई नहीं कहता। सुबह सुबह बार बार टाइम बताना और उठ जाओ बेटा, टाइम बता के ऐसे अम्मी उठाती थी हम लोग, उठ जाओ बेटा 8 बज गए हैं बहुत देर हो रही है, उठ जाओ बेटा 9 बज गए हैं बहुत देर हो रही है, तो बिस्तर से कोई उठाने वाला नहीं है, अलार्म लगाओ और अपने आप उठो, क्योंकि बहुत सारी घर की जिम्मेदारी अम्मी घर सर पे छोड़ गई हैं हमारे कंधों पे। तो अम्मी आप क्यों चली गई, कहीं भी जाते थे जल्दी आना बेटा ये अब कोई नहीं कहता। सुबह सुबह बार बार टाइम बताना और उठ जाओ बेटा अब कोई नहीं कहता। आज क्या पकेगा क्या खाओगी अब कोई नहीं कहता, आज क्या पकेगा क्या खाओगी अब कोई नहीं कहता। आप जो भी पकाती उसमें हमारे नखरे, अम्मी ये क्या पका लिया, अम्मी ये क्या पका लिया, हम नहीं खाएंगे, हमारा ये कहना और फिर अम्मी का बताना बेटा ये खा लो इसके खाने से ये फ़ायदे होते हैं, बेटा ये खा लो ये सेहत के लिए अच्छा होता है, ये कह कह के हम लोगों को खाएंगे उसके फ़ायदे गिनवाकर, खा लो बेटा कोई नहीं कहता। अम्मी आप क्यों चली गई, इतनी जल्दी चली गई, ना हम कुछ कह पाए ना आप कुछ कह पाई। घर से कहीं भी जाओ जल्दी आना बेटा अब कोई नहीं कहता, घर से कहीं भी जाओ जल्दी आना बेटा अब कोई नहीं कहता। अम्मी आप क्यों चली गई, बहुत याद आती है अम्मी आपकी, हर पल याद आती है, हर रोज़ याद आती है, जब हम कहीं जाएं तो आप दरवाज़े में आ जाती थी, दरवाज़े में खड़ी रहना जब तक हम गली पार ना हो जाए, आप दरवाज़े में खड़ी रहती थी, हम पीछे मुड़कर अम्मी को अल्लाह हाफिज़ बोलते थे, अम्मी का अल्लाह हाफिज़ बोलना अब कोई नहीं कहता। अब हम भी मुड़कर नहीं देखते क्योंकि वहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता, हम बड़े थे फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि अम्मी आप थी आप थी आप थी, अब आप नहीं हैं तो सारी जिम्मेदारी मेरी है, पर कोई आप जैसा प्यार नहीं करता। अम्मी आप क्यों चली गई, अम्मी आप क्यों चली गई, बीमार हो तो बार बार दुआएं फूक फूकना, बीमार हो तो बार बार दुआएं पढ़कर फूकना, नज़र उतारना बार बार, माथा छूना बार बार देखना कि बुखार उतरा या नहीं, माथा छूना बार बार, कुछ खा ले बेटा कुछ खा ले बेटा अब कोई नहीं कहता। जब हम परेशान होते थे तो परेशानी में सर पर हाथ रख कर कहना सब ठीक हो जाएगा बेटा अब कोई नहीं कहता, सब ठीक हो जाएगा बेटा अब कोई नहीं कहता। सुबह सुबह 5 बजे उठ जाना और अपने काम में लग जाना, आपका हमें उठाना, नाश्ता कर लो बेटा भूखे पेट नहीं जाते अब कोई नहीं कहता। अम्मी आप क्यों चली गए, बहुत याद आती है आपकी, ऑफिस में हमें फ़ोन करके पूछना बेटा खाना खाया नहीं खाया तो खा लो बेटा बाद में काम कर लेना, बेटा खाना खाया अब कोई नहीं कहता। शाम को जब देर हो जाती थी तो फ़ोन करना और फ़ोन पर कहना कहाँ रह गई बेटा और कितनी देर लगेगी जल्दी आओ अब कोई नहीं कहता, अब कोई नहीं कहता। हम बिल्कुल अकेले हो गए, अम्मी आप क्यों चली गई, आप क्यों चली गई। ईद पर अम्मी का कहना चलो अब सब आ जाओ ईदी ले लो अब कोई नहीं कहता। कहीं अकेले नहीं जाने देना, नहीं बेटा अकेले मत जाओ ज़माना बहुत ख़राब है, चलो मैं साथ चलती हूँ, अकेले कहाँ जाओगी, अकेले कहाँ जाओगी, चलो मैं साथ चलती हूँ,
अब कोई नहीं कहता, अब हमें अकेले छोड़कर चली गई इस दुनिया में, कभी पूछे मुड़ के भी नहीं देखा कि कैसे रहेंगे हम सब लोग अकेले। पहले कहती थी अकेले मत जाओ, हम साथ चलते हैं, अब कोई नहीं कहता। हम अपनी अम्मी को हर पल, हर रोज, हर घड़ी मिस करते हैं, लेकिन आप सब लोग अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक मेरी अम्मी को मगफिरत अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अदा करें। ये तो हमने अम्मी की सिर्फ एक दिन के रूटीन की चीज़ें आपसे शेयर की हैं, सुबह उठना, लेकिन अभी बहुत कुछ आपसे शेयर करना बाकी है। इतना शेयर करना है कि ज़िंदगी भर कोई किसी के लिए, ज़िंदगी भर अम्मी की याद हमको मिस करती रहेगी। हम अम्मी को बहुत 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 ज़्यादा मिस करते हैं, हर पल जब बीमार होते हैं या जब कोई परेशानी होती है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि जिस जिनकी अम्मी हैं वो लोग अपनी माँ की माँ को बहुत ज़्यादा प्यार दें, मोहब्बत दें, ताकि उनके जाने का गम तो सबको होता है, क्योंकि माँ जैसा कोई नहीं होता। लेकिन बस यही है कि फिर ये चीज़ें याद रहती हैं कि माँ के जितना प्यार कोई नहीं करता, माँ की अगर किसी का प्यार नापा भी जाए तो वो हमेशा 9 महीने कम ही निकलता है, क्योंकि माँ जब से हम उनके कोख में आते हैं तब से वो हमें प्यार बिना देखे करने लगती है। अल्लाह हाफिज़।